मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेथड कौन सी होती है, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, उसकी मेथड कौन कौन सी हो सकती है। उसकी हमने चार पांच मेथड पढ़ी थी। अब उसी के रिगार्डिंग जनरल एंट्री, उसी से रिलेटेड कौन सी जनरल एंट्री कब करनी है, किस कंडीशन में कौन सी जनरल एंट्री होगी, ये हमको देखना है। जब क्वेश्चन में लिख रखा होगी लमसम मेथड से पेमेंट किया है, यानी कि जितनी भी अमाउंट ड्यू होगी वो सारी आपने एक ही साथ दे दी है उसी दिन जिस दिन हमने वो अकाउंट तैयार किया है, तो उसकी जो जनरल एंट्री होगी लमसम मेथड पे होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, जो नेट बैलेंस सारे एडजस्टमेंट के बाद आने वाला है, ठीक है। टू कैश या बैंक, या तो कैश या बैंक, ठीक है, हमने कैश दिया है बैंक दिया जो भी है वो लिखना है, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड और कोई एंट्री, जैसे कि ये जो पैसा है इसको देने के लिए अगर बैंक से लोन लिया है तो हमको बैंक से लोन लेने की एंट्री करनी है, लोन लेने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डी आर टू लोन, ठीक है। किसी से उधार लिया है पैसा अगर इसको देने के लिए तो पहले वो एंट्री करनी है उसके बाद ये एंट्री करनी है, ठीक है। जैसे कि अगर बैंक से लोन लिया है तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट डी आर टू बैंक लोन। फिर सेकंड एंट्री ये होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश पब्लिक बैंक, जो भी है। जब लोन लेंगे तो हमको बैंक ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब हम लोन लेंगे तो हमको बैंक ही लिखना है, अदरवाइज आप कैश या बैंक में से कुछ भी लिख सकते हो। और अगर आप बैंक लिखोगे तो बिल्कुल सही है, हर एंट्री में अगर बैंक लिखोगे तो सही है, क्योंकि वो पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग लाखों में होगा, ठीक है, जैसे एक लाख दो लाख ऐसा होगा, तो उतना पेमेंट हम कैश किसी को देते नहीं है ज़्यादा पेमेंट, तो हम बैंक चेक से ही देंगे तो हमको बैंक ही लिखना है, ठीक है। सेकंड एंट्री बाय ट्रांसफरिंग इन लोन अकाउंट, ये हमने सेकंड एंट्री पढ़ी थी कि बाय ट्रांसफरिंग रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वही है, वापस वही है कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, ठीक है, उसी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो पूरा का पूरा बैलेंस, जैसे मैंने पहले बताया 1,20,000 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर की जगह नाम लिखना आपको किसी भी बी है या सी है तो आपको लिखना है सी कैपिटल, दोनों से सी लोन, बी है तो बी कैपिटल और बी लोन अकाउंट, ओके, ये सेकंड मेथड। और ये अगर क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको यही जनरल एंट्री करनी है, यही करना है कि जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अगर इनमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो थर्ड जो मेथड हमने पढ़ी थी पार्टली इन कैश और पार्टली ट्रांसफरिंग टू लोन, ये पढ़ा था, तो उसमें एन एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वही है वापस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है, टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक, कैश और बैंक में जितना पेमेंट हमने कैश या बैंक दिया है वो लिखना है, जितना पेमेंट हमने कैश कर दिया वो लिखना है यहाँ पर, और रिमेनिंग बैलेंस जो है टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जितना हमने कैश पेमेंट कर दिया है वो तो आपको इसमें लिखना है और रिमेनिंग बैलेंस आपको क्या करना है लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसमें पार्टली कैश और पार्टली ट्रांसफर टू लोन, यानी कुछ पेमेंट हमने कैश कर दिया है जिसमें पहले होता था 20,000 20,000 तो यहाँ लिख दो इसमें अमाउंट साइड में, और वन लेख यहाँ लिख दो जो लोन में ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा जो कैश पैसा दिया है वो, और यहाँ पर आएगा जो लोन में हम ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसका नरेशन आप लिख देना। ये कंडीशन नंबर फोर है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, यानी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने वाला में एक तरीके से हम लोन जो है उसकी इंस्टॉलमेंट ही चुकाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी सेम एंट्री यहाँ पर जो की हुई है, क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग टू लोन अकाउंट, तो ये एंट्री मैंने की नहीं है तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट एंट्री ये होगी, क्या एंट्री है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है, यानी कि इसी को जो इंस्टॉलमेंट में करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा लोन अकाउंट में। सेकंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू होने की, उसके ऊपर हर साल जो है इंटरेस्ट ड्यू होगा, हर साल ईयर के एंड में इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर क्या होगा इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू, और ये फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो दिया हो जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, और ये इंटरेस्ट लोन अकाउंट के अंदर एड हो जाएगा,
ये है बीम इंस्टॉलमेंट पे, ये इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पर एंट्री होगी। ठीक है, जब इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट करेंगे तो ये आप क्या एंट्री करनी है, रिटायरिंग पार्टनर्स वाले अकाउंट को कैश जाए। अब यहां पर आपको जो लिखनी है इंस्टॉलमेंट को इंटरेस्ट के साथ में लिखनी है। ठीक है, यहां पर जो भी इंस्टॉलमेंट हम लिखेंगे वो इंस्टॉलमेंट को प्लस करते हुए लिखना है आपको, यानी इंस्टॉलमेंट सहित जो है वो आएगी अमाउंट यहां पर। तो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो फर्स्ट एंट्री है वो तो केवल एक बार ही होगी। ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग लोन है फोर्थ वाली कंडीशन में, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनमें तो एक बार ही एंट्री करनी, जब फोर्थ वाली कंडीशन होगी तो फर्स्ट वाली एंट्री एक बार होगी, उसके बाद ये सेकंड और थर्ड एंट्री हर साल होगी, जब तक पूरा लोन अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता, उस रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं हो जाता, तब तक हर साल ये दोनों एंट्री करनी है। ठीक है, सेकंड और थर्ड, तो ये जनरल एंट्री है। इसके अलावा